राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राजधानी लखनऊ में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में समय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर, क्या रहेगा कल का जो संबोधन है, कितने बजे से क्या खास? देखिए, देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो अमृत काल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश के 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो, तो ये स्वावलंबी बने और देश पुनः उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचे जहाँ पर विश्व गुरु के स्थान पर कहलाया जाता था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सदस्य हैं। सौभाग्य से इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद कल हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस आशय का हमने विधानसभा के आम सहमति से, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भेजा था महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के पास कि वो कृपापूर्वक हमारे संयुक्त सदन को संबोधित करें। कल महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे और उनका पाथेय, उनके मार्गदर्शन हम सब लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देगा। सर, क्या कोई इसकी थीम या कोई टॉपिक भी विशेष है या राष्ट्रपति जी महोत्सव के ऊपर? जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारे देश के 25 साल आने वाले जो 100 वर्ष हमारे देश के होंगे महत्वपूर्ण है और महामहिम श्री राष्ट्रपति जी का जो स्वभाव है, जो समर्पण है, जो उनकी राष्ट्रभक्ति है, जो उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व है, जो अपने मृदुभाषिता के कारण, सौम्यता के कारण है, तो उनके द्वारा कही हुई हर बात हम सब लोगों को एक मार्गदर्शन देती है और हम सब लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनती है। कल महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे को संबोधित करेंगे। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में सतीश महाना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कल जब राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए होंगे, संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे, तो जो अमृत काल चल रहा है उसको लेकर उनका पूरा संबोधन होगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।